पवन सिंह के गाने के सपोर्ट में उतर चुके हैं भोजपुरी के कई सेलिब्रिटी, फिर वो चाहे रितेश पांडे हो, गुंजन सिंह हो या फिर हो राकेश मिश्रा। और ये सब कुछ देखकर खेसारी की फैन फॉलोइंग बुरी तरह से जल चुकी है। जी हाँ, खेसारी लाल यादव जिस तरह से उनका गाना पहले आया और उनका वीडियोस पहले आए, लेकिन उन चीज़ों पर भोजपुरिया दर्शकों ने सपोर्ट नहीं किया। अब तो इसका प्रमाण भी मिल चुका है कि खेसारी लाल यादव जिस गाने को अपना कह रहे थे वो गाना उनका नहीं बल्कि पवन सिंह का है। ये सारी चीज़ें प्रूफ हो चुकी हैं और खुद म्यूज़िक डायरेक्टर प्रियांशु ने इस सब चीज़ों को प्रूफ किया है कि किस तरह से उन्होंने ये जो गाना है वो मई महीने में ही रिकॉर्ड कर लिया था और बाद में इसे किस तरह से चोरी किया गया। अब हम आपको ये बता देते हैं कि क्यों खेसारी के गाने को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि अब भोजपुरी इंडस्ट्री में लोग अपनी नीट एंड क्लीन छवि चाहते हैं। कोई नहीं चाहता है कि वो इस तरह की छवि अपनी ख़राब करे कि चोरी का गाना या फिर किसी और का गाना गाए। इस वजह से खेसारी लाल यादव को इस गाने में यानी कि आरा में दोबारा फिर ऐबूना वाले गाने में सपोर्ट नहीं मिला और पवन सिंह को सपोर्ट मिला। और पवन सिंह के सपोर्ट में लगभग भोजपुरी का हर एक कलाकार आया और ये दिखा दिया कि ये गाना चोरी का था। खेसारी लाल यादव ने ये गाना चोरी का ही गाया था। इस वजह से इस गाने को पवन सिंह ने जो पहले गाया है उसे सपोर्ट ज़्यादा मिला खेसारी लाल यादव के सपोर्ट में। इस वजह से भोजपुरिया का कोई कलाकार नहीं आया। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।